दोनों तरफ से भीड़ इकट्ठा होनी चालू हो गई थी। 24 तारीख की बात है। अच्छा, लगभग 1 बजे के आसपास जी जब मस्जिद से नमाज पढ़ के लोग निकलते हैं, उस टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा भीड़ इकट्ठी चालू हो गई चांद बाग की तरफ। उधर से जब भीड़ इकट्ठी चालू होनी हुई तो धीरे धीरे दूसरी तरफ जिधर हिंदू कम्युनिटी रहती है, उन भीड़ को देखते देखते वो भी इकट्ठी हो गई। अच्छा, दोनों साइड से दोनों समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए और काफ़ी देर तक पहले इकट्ठा होकर कोई किसी किस्म का कोई नारा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसके अंदर ऐसे लोग आग देने वाले लोग आना चालू हो गए, उन्होंने नारे लगाने चालू कर दिए। उधर से लग रहा था अल्लाह अकबर, उधर से लग रहा था जय श्री राम। दोनों तरफ से नारे लगने चालू हो गए। उस नारे में लगते ही कुछ ऐसे शरारती तत्व आए मुस्तफाबाद की तरफ से। अच्छा, मुस्तफाबाद की तरफ से आए थे, जो कि पत्थरबाजी स्टार्ट की। अच्छा, पहले पत्थरबाजी हुई। हाँ, पत्थरबाजी जो स्टार्ट हुई एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से भी चालू हो गई। अच्छा, फिर इतना भयंकर पत्थरबाजी चालू हो गई कि उसका कोई मतलब हमारे पास उस टाइम पे हम अंधे हो गए बिल्कुल। कम से कम 5-4 घंटे लगातार दोनों तरफ से पत्थरबाजी चलती रही। पुलिस को फ़ोन किया, ACP DCP 100 नंबर पे फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। अच्छा, एक बार फ़ोन, मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा, जो हमारे दयालपुर और गोकुलपुरी के ACP साहब हैं। अच्छा, वो चोटिल हो गए थे लेकिन उन्होंने क्या नाम है उनका? उनका अनुज कुमार। अच्छा, अनुज जी। अनुज जी चोटिल होने के बाद भी जब मैंने तिवारा फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि राघव साहब, क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर उन पर फीड था, राघव साहब ऐसे ऐसे DCP साहब काफ़ी इंजर्ड हो चुके हैं और मैं उनको लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे अब फ़ोन ना करें। जबकि वो खुद इंजर्ड थे, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाते हुए मुझे बताया। उसके बाद जो स्थिति थी, 8 बजे के आसपास फोर्स आनी चालू हुई। अच्छा, शाम को जब फोर्स आई है, जब स्थिति काबू में धीरे धीरे मतलब 24 की बात कर रहे हैं आप? 24 तारीख की बात। अच्छा, 24 तारीख की बात है, स्थिति काबू में होनी चालू हुई। जब तक इस चांदबाग पुलिया से लेकर और शेरपुर चौक तक दुकानों का सत्यानाश हो चुका था दोनों समुदाय का। अच्छा, लगभग 24 तारीख को ही? 24 तारीख। अच्छा, ये आगजननी जो हमारे यहाँ हुई है ये 24 तारीख को शाम को 3 बजे से और 8 बजे के बीच हुई है। अच्छा, हाँ। तो क्या कारण हो सकता है कि मतलब क्या किसी विशेष समुदाय के जो दुकानों को टारगेट करके जलाया गया या फिर रैंडम जलाया गया? ऐसा है, दंगाइयों का कोई मजहब, कोई ये नहीं होता कि हमने उन्हीं की जलानी है या उनकी जलानी है। उनका काम है लूटपाट करना, उनका काम है एक समुदाय के लोगों को पहले टारगेट कर लेना। एक समुदाय का जब लोग देखते हैं कि एक समुदाय का जल गया है तो अपने आप ही लोग भड़क जाते हैं कि ये तो हिंदू का जल गया, ये तो मुसलमान का जल गया, तो फिर हिंदू मुस्लिम राइट होना चालू हो जाता है। वो ही करने का उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन हमारी जो कॉलोनी के लोग हैं, कॉलोनी के लोगों ने इतना सौंदर्य अच्छा बनाए रखा अपनी कॉलोनियों के अंदर, क्योंकि रेजिडेंस भी मेरा वहीं सामने है, कि कॉलोनी के अंदर आपस में मिलके सब ने अपनी अपनी रक्षा के लिए दोनों तरफ की मेजोरिटी कमेटी बनाई दोनों ने मिलके, और वो कमेटियां अपनी तरफ, वो दूसरी तरफ हिंदू लोग, उधर मुसलमान लोग, सब अपने अपने कंट्रोल में करते रहे। लेकिन मेन रोड का ये समझ ही नहीं आया कौन लोग आए और कौन लोग नहीं आए, अब तक इस चीज़ का हमें मलाल। अच्छा, तो जो यहाँ पे नुकसान हुआ वो कितना का हुआ होगा? लगभग तमाम गाड़ियाँ जला दी गई यहाँ पे और कैश वगैरह लूट लिए गए। 35 लाख के आसपास। 35 लाख लगभग। अच्छा, हाँ, क्योंकि बिल्डिंग भी है उसमें, उसमें ऑफिसेस का फर्नीचर भी है। अच्छा, कंप्यूटर भी है और आपका 15 के करीब मोटरसाइकिल भी हैं और बाकी ये आप देख रहे हैं सारा
कि उधर जो टूटा हुआ सामान पड़ा है, अच्छे अच्छे फर्नीचर था, उसको लूट का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आग लगाएगा वो लूटेगा क्यों, क्योंकि ताले क्यों तोड़ेगा। हमारा जो फर्नीचर है उसके अंदर जो गल्ला था उसका ताला तोड़कर पैसे निकाले। अच्छा, पैसे निकाल लेगा। हाँ, उसके बाद जो हमारा ऑफिस के बाद जो मैं अपने घर से किसी की शादी थी बेटी की, अपने दोस्त की, उसके लिए पैसे लेके आया था जेब में, मैंने वो पैसे अंदर के कमरे में रख दिए थे। वो पैसे जब मैं आगजननी होने के बाद 6-7 घंटे के बाद जब पुलिस आ गई है, उसके बाद आया तो इधर आग जल रही थी सारे में, अंदर होता हुआ जब कमरे में जाकर देखा तो वहाँ भी लूटपाट हुई थी, पैसे नहीं मिले। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ ये लूट आगजननी ये कराना दंगाइयों का काम है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदू ने किया या मुस्लिम ने किया, मतलब आप किया दंगाइयों। हाँ ठीक है, मतलब कोई पहचान आप नहीं पहचाने के, सबने हेलमेट, लोगों ने ज़्यादातर हेलमेट, ऊपर कपड़ा बांध रखा था, मुंह पे रुमाल बांध रखा था, किसी ने जो प्रदूषण वाला जो वो मास्क वो बांध रखा था, तो इसलिए पहचान नहीं हो पाई। ठीक है, कितने संख्या में आए होंगे आपके यहाँ पर जो लूटपाट करने आए? लगभग अंदर जब घुसे हैं तो 40 से 50। 40 से 50 रहे होंगे। सभी के हाथ में डंडे, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में तलवार। तो कोई घायल भी हुआ यहाँ पे? घायल इसलिए नहीं हुए कि हमने सरेंडर कर दिया था। अच्छा, आपने सब कुछ सरेंडर करके छोड़ दिया कि भाई आप जो करना कर लो, भाई जो करो वो आपकी मर्जी है, बाकी हम ये कहेंगे ऐसा मत करो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये अंदर भाग लिए हैं तो उन्होंने आग लगानी चालू कर दी। अच्छा, सबसे पहले फर्नीचर को आग लगाई, फिर मोटरसाइकिलों को आग लगाई। तो पेट्रोल पंप वगैरह भी फेंके गए यहाँ भी? नहीं, हमारे यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल का ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो जो आए वो एकदम से दंगाई की भीड़ ही आई। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से जो है लगभग 30 से 35 लाख तक का सामान जला दिया गया। और हम इस सिलसिले में बात कर रहे थे, आपका पूरा आप अपना परिचय भी दे दें साथ में। हाँ, मैं शिव कुमार राघव, करावल नगर रोड मार्केट प्रेजिडेंट, और ये रोड हमारा 4 किलोमीटर का रोड आता है भजनपुरा चौक से लेके सिप्यार तिराहे तक। और ये जो आपका शोरूम था इसका क्या नाम है? इसका गिरी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। इसी में मेरा ऑफिस था, मार्केट एसोसिएशन। अच्छा, आपका मार्केट एसोसिएशन का ऑफिस भी था। समस्या होती थी वो यहीं बैठ के उनका हल करने की कोशिश, या कोई कानूनी कार्रवाई करानी होती थी तो यहीं से लेटर पैड पे लिख लिखा के, थाने चौकी कहीं भी जाना, डिपार्टमेंट में जाना होता था, वो यहीं से होती थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। साथ में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो नुकसान हुआ है यहाँ का, इस वर्कशॉप का, और इस गेट से जो है दंगाई आए थे, तो एक बस एक नज़र, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बीत गए हैं बहुत सारा कुछ हटा दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं। तो कुछ अवशेष देखिए, तमाम जो वर्कशॉप जो पार्ट्स वगैरह लूटे गए और कैश लूटा गया। हाँ, यहाँ पे सब जो है सारा ना पार्ट से भरा हुआ था ये सारा। हाँ, ये सब पार्ट से भरा हुआ था। यहाँ कंप्यूटर था, कंप्यूटर टेबल पे कंप्यूटर था, कंप्यूटर लूट ले गए। नहीं पता नहीं इसके अंदर जल गया क्या हुआ, अभी हमने चेक नहीं किया। अच्छा, तो यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह था। हाँ, वो शायद अब उसका अवशेष दिख नहीं रहा, हो सकता लूट लिया गया या के अंदर तोड़ फोड़ दिया गया हो, कुछ भी किया गया हो। प्लास्टिक का वो सारा। हाँ हाँ, अभी तो कुछ पता नहीं। जो पार्ट्स हैं, हाँ हाँ, गाड़ियों के पार्ट्स यहाँ पे हैं, सब पार्ट्स हैं, लगभग सब जल चुका है। और इधर तमाम गाड़ियाँ भी कितनी थी यहाँ इसके अंदर? लगभग 13 गाड़ी अंदर थी। नई जो रिपेयरिंग होने आती, अच्छा जो रिपेयरिंग होने आती थी वो कस्टमर की, जो लगभग 13 गाड़ियाँ थी वो भी जल के खाक हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो है ना सारा लिफ्टिंग सिस्टम था गाड़ियों को, अच्छा उठाने का, वो पूरा का पूरा पूरी वर्कशॉप, मतलब एक तरह से जो सारा पूरा वर्कशॉप तबाह हो चुका है। ये सब कुछ तबाह हो चुका है। तो एक तरह से एक ये खजूरी खास इलाके में, चांदबाग खजूरी खास इलाके में दंगे का एक और सबूत है, जो अपने आप में जो है दंगे की भयावहता बयां कर रहा है।
ऑफ इंडिया के लिए रवि अग्रवाल की रिपोर्ट।